जाइए घूम टहल लीजिए। हाँ ये तो दिक्कत है, जाके खींच देते हैं। छब्बीस जनवरी 1950 तक को गया था संभव का। क्या लिख रहे थे आप लोग? भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है इंडिया का ही संविधान है, ठीक। और सबसे छोटा संविधान हालांकि कभी पूछा नहीं जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में तो संविधान नहीं है एक तरीके से। वैसे अब मोनाको का संविधान हो गया है, मोनाको एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ का संविधान जो है सबसे छोटा है। बहरहाल सबसे बड़ा ही आता है जो है, सबसे बड़ा संविधान जो है और सबसे प्राचीन संविधान, सबसे पुराना संविधान किस देश का है जो है? सत्रह सौ 1789 में जो है क्रांति कब हुई थी? 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी और संविधान वहाँ का लागू हुआ था जो है नवंबर 1789 में, कोई डेट थी 1789 में। तो सबसे पुराना लिखित संविधान जो है यूएसए का संविधान है, लेकिन इससे पहले भी ग्रेट ब्रिटेन का संविधान है, वो बहुत पुराना संविधान है ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन के ही तो सब गुलाम रहे हैं, अमेरिका भारत ये सब सारे देश गुलाम रहे हैं। तो सबसे पुराना संविधान जो है इंग्लैंड का है जो है, लेकिन वो लिखित नहीं है, आज भी लिखित नहीं है जो है, लिखा गया संविधान वो नहीं है, वो अलिखित संविधान है। तो फिर कैसे शासन सत्ता चलती है देश की जो है, वो शासन सत्ता देश की कैसे चलती है जब वहाँ संविधान लिखित ही नहीं है? नियम कानून परंपराओं इन सब पर जो है, प्रथाओं परंपराओं या न्यायिक व्याख्याओं इन सब पर जो है वहाँ का संविधान चलता है, लिखित रूप में संविधान नहीं है। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान यूनाइटेड स्टेट का है और ब्रिटेन को ही संविधान की जननी कहा जाता है जो है, संविधान की जननी या संसद की भी जननी जो है ब्रिटेन को ही कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन का। मतलब वो पहले ही जो है राजनीतिक रूप से बहुत पहले ही जो है जागरूक हो चुका था जो है, इसीलिए बहुत सारे देश ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, ठीक। तो जब हमारा संविधान मतलब 2, 4, 6, 10 दिन में बन करके तैयार नहीं हुआ है जो है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं जो है, और बाकायदे जो है विस्तृत कई समितियों के माध्यम से ये बनाया गया है बहुत विचार विमर्श करके। तो संविधान के सदस्य जो है, हमारे संविधान सभा के सदस्य जो है बहुत सारे देश में गए, विदेशों में गए जो है, अमेरिका इंग्लैंड रूस फ्रांस ब्रिटेन जर्मनी इन सब जगहों पर गए जो है और वहाँ के संविधान का अध्ययन किया जो है, मतलब विस्तृत अध्ययन किया, मतलब बहुत विचार विमर्श करके जो है बहुत मंथन करके संविधान का निर्माण किया गया है। तो वहाँ के मतलब विदेशी संविधानों से जो अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छे अच्छे प्रावधान थे, उनको जो है हमारे संविधान में एडॉप्ट कर लिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो है मतलब कहाँ से लिया गया है अपना संविधान स्वीकार किया गया है, 1935 का भारत शासन अधिनियम से जो है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लगभग जो है 2500 आर्टिकल 395 आर्टिकल में से 250 उसी से ले लिया गया, 250 लगभग जो है कि 50+ से ऊपर परसेंटेज जाता है, 50% से ऊपर जो है संविधान का के पार्ट कहाँ से ले लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है।
और जब भारत आजाद हुआ और जब तक संविधान नहीं लागू हुआ तब तक अपना देश का संचालन भी इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से होता रहा, चलता रहा है। अब हम विदेशी स्रोत पढ़ेंगे जो है, कौन कौन विदेशी स्रोत लिए गए, कौन कौन से उपबंध, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एकल नागरिकता हो गया, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति जो है ब्रिटेन में, जैसे ब्रिटेन की महारानी सर्वे सर्वा है, शासन सत्ता की लिखित रूप में, सिद्धांत रूप में जो है, लेकिन व्यवहार में जो है शासन सत्ता कौन चलाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है। वैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति का पद जो है ये केवल सम्मान का पद है, गरिमामयी मर्यादा का पद है जो है, काम तो सारे जो है राष्ट्रपति के नाम से होते हैं जो है, सिद्धांत रूप में जो है काम सारे राष्ट्रपति के, मतलब यह संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है जो है, और संघ की सारी जो है शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है जो है, जितने भी कार्य संचालन होते हैं सब राष्ट्रपति द्वारा किए गए माने जाते हैं जो है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं नहीं करते हैं जो है, व्यवहार रूप में जो है कौन शासन सत्ता का संचालन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो वही वास्तविक शासन सत्ता होता है। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार की गवर्नमेंट देखने को मिलती है जो है,
एक औपचारिक जो है और एक व्यवहारिक या वास्तविक, औपचारिक सत्ता और वास्तविक सत्ता, या औपचारिक शासक या वास्तविक, औपचारिक या नाम मात्र का, ठीक है, औपचारिक नाम मात्र का और व्यवहारिक या वास्तविक शासक, ये राष्ट्रपति होते हैं और ये प्रधानमंत्री होते हैं। यह लिखित रूप में कहा जाए तो जो है कोई भी पेपर दस्तावेज किसी से रिलेटेड संधि समझौते से होता है वो है, उस पर मुहर किसकी लगती है, राष्ट्रपति महोदय की लगती है कि राष्ट्रपति ने किया है। लेकिन संधि समझौता कौन करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल करते हैं, ठीक है। विदेशों में जो है प्रधानमंत्री जाते हैं, मंत्रिमंडल जाते हैं, प्रतिनिधिमंडल जाता है, कोई संधि समझौता होता है जो है, तो संधि समझौता को ये लोग करते हैं, लेकिन मुहर लगती है जो है राष्ट्रपति, जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। जितनी भी नियुक्तियां हैं, जैसे राष्ट्र मतलब साधारण से साधारण कर्मचारी की भी नियुक्ति होती है जो है, देखिए इस पद पर नियुक्त करने के लिए राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं, देखे हैं कि नहीं लिखा जाता है नियुक्तियों पर। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी सारी नियुक्तियाँ होती हैं, इस पद पर इनको नियुक्त करने के लिए जो है राष्ट्रपति सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं। लेकिन नियुक्ति कौन करवा रहा है, जो है कर रहा है वो व्यवहारिक, तो मतलब औपचारिक, जैसे यहाँ ब्रिटेन की महारानी जो है औपचारिक जो है शासक है, वो इसी प्रकार से जो है अपना राष्ट्रपति जो है औपचारिक शासक है, जो है औपचारिक सत्ता का अधिकारी है। तो ये एक लाइन से लिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, विधि का शासन और विधि के समक्ष समता, विधि का शासन और विधि के समक्ष समता, ये क्या होता है विधि का शासन और विधि के समक्ष समता। विधि का शासन जैसे मतलब कोई राजा हो जो है, राजतंत्र हो जो है किसी देश में जो है, तो राजा अपने अनुसार शासन का संचालन करता है। मान लीजिए वहाँ कोई नियम कानून नहीं बनाता है, मतलब जो अपने समर्थक लोग हैं उनके साथ दूसरा व्यवहार करेगा और जो एंटी पार्टी के लोग हैं उनके साथ जो है दूसरे प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, मतलब कोई नियम कानून नहीं है जो है। लेकिन अपने यहाँ या इंग्लैंड में विधि का शासन है, मतलब सर्वोपरि क्या है, विधि विधान कानून है जो है, विधि विधान कानून ही सर्वोपरि है, तो विधि का शासन अपने यहाँ जो है, जैसे इंग्लैंड में जो है सर्वप्रथम विधि का शासन इंग्लैंड में माना जाता है, और विधि के शासन का जनक कौन था, डाइसी थे, डाइसी जो है यहाँ के कानूनविद थे जो है, विधिवेत्ता थे जो है इंग्लैंड में, इन्होंने कहा कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, मतलब नियम कानून का शासन है, किसी की मनमानी नहीं चलती है, जो है विधि के अनुसार शासन का संचालन चलता है। अपने यहाँ सरकार भी देखिए जो है सरकार सर्वोपरि नहीं है, सरकार या सर्वोच्च न्यायालय कोई भी संस्था जो है अपने यहाँ सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कौन है, संविधान, ठीक है, संविधान है सुप्रीम। यदि संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति महोदय भी करते हैं जो है, तो उन पर भी महाभियोग चला दिया जाएगा जो है, तो कानून की सर्वोपरिता है, विधि का शासन है जो है। प्रधानमंत्री यदि चाहे जो है कि गैर कानूनी काम करें जो है, तो कुर्सी पर से आप लोग जाओगे खींच लोगे प्रधानमंत्री को, है कि नहीं, या जो है कानून के अनुसार जो है कोई वक्तव्य नहीं दिए, वक्तव्य यहाँ तक कि गैर कानूनी दिए जो है, तो भी हंगामा मच जाएगा पूरे देश। तो कोई भी संस्था जो है सर्वोपर नहीं है, अपने यहाँ जो है विधि सर्वोपरि है, विधि का शासन, विधि मतलब संविधान सर्वोपरि है जो है, ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, ना हाई कोर्ट, ना सरकार, ना संसद, कोई भी नहीं सर्वोपरि है, सर्वोपरि संविधान है, सर्वोपरि कानून है जो है, तो विधि का शासन, विधि के समक्ष समता। इसका मतलब क्या है जो है, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि होगी, मतलब विधि के विधि को लागू करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इनके लिए जो है हल्का कानून बना दिया जाए, वही जो है मतलब अपराध किए हैं, और दूसरे जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए जो है जो मतलब वीआईपी लोग हैं उनके लिए हल्का कानून बना दिया जाए, हल्की सजा का प्रावधान रखा जाए, और जो आम नागरिक हैं उनके लिए कठिन जो है सजा दिया जाए, जो है कठिन कानून का प्रावधान किया जाए, मतलब एक समान रूप से विधि जो है, विधि की नजरों में जो है सभी लोग समान हैं, विधि के लागू करने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो मंत्री हो या किसान हो,
अगर उसने मर्डर कर दिया है तो जो विधि जो है इस पर किसान पर लगती है, जो धारा वही मिनिस्टर पर भी लगेगी जो है। ठीक, तो ये विधि के समक्ष समता होगा जो है। सभी नागरिक जो है अपने यहाँ विधि का शासन है, विधि ही सर्वोपरि है, ये विधि का शासन, और फिर विधि के समक्ष समता है जो है, विधि के समक्ष समता रखी गई है। समझ गए कि नहीं है? मतलब विधि लागू करने में एक ही समान विधि जो है सब पर अप्लाई होगी जो है, किसी को जो है इसमें वेटेज नहीं दिया जाएगा कि ठीक है आप मंत्री जी से मर्डर कर दिए हैं तो आप तक जो है धारा 302 नहीं लगेगी। अब व्यवहार में चाहे जो व्यवहार की बात जाने दी, लेकिन सिद्धांत की जो बात है यही है, विधि के समक्ष समता है, ये इंग्लैंड से किया गया है। संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता राष्ट्रपति औपचारिक स्थिति विधि का शासन जिसके समक्ष समता है। अब चलते हैं अमेरिका के संविधान पर जो है, मतलब यहाँ से हो गया जो पूछे जाते हैं कितने भी पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट्स से किया लिया गया, और पहले ये भी बता देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से संविधान पर ये राष्ट्रपति का महाभियोग
आदिवासी जंगली एरिया है, वहाँ बहुत सारी जनजातियाँ पाई जा रही हैं, कोई डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है जो है। और आप यहाँ के हम लोग हैं जो है, हमारा डेवलपमेंट हुआ है, सारे ऐशो आराम हम उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं जो है। लेकिन वहाँ की जनजातियाँ हैं वो बहुत पिछड़ी हुई हैं, खाना कपड़ा मकान तक नहीं है, बारिश के नीचे जो है वो रह रहे हैं जो है। तो क्या जो है, जो कानून हमारे ऊपर लागू होगा वही कानून उसके ऊपर भी लागू होगा? नहीं, ये न्यायोचित है? नहीं, न्यायोचित है। मान लीजिए कोई विक्षिप्त आदमी है जो है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है जो है, उसने मर्डर कर दिया और हम मर्डर कर दिए, पूरी तरीके से जो है नियम कानून को जानते हुए जो है, जागरूक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, जा करके मर्डर कर दिए और एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति मर्डर कर दिया, तो क्या दोनों पर एक ही कानून लागू होगा? नहीं लागू होगा ना। तो परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, किसकी क्या परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के लिए ही आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई छात्रवृत्ति की परीक्षा होती है या कंपटीशन ही होता है, तो बहुत से मतलब पिछड़े तबके हैं जिनको वो पढ़ने लिखने की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, उनके पास उनकी पहुँच जो है उन संसाधनों तक नहीं है जितना कि हम लोगों की पहुँच है, ठीक है। तो यदि एक ही नंबर से पासिंग मार्क्स रख लिया जाए जो है, वो तो परिस्थितियों के कारण ये तो है नहीं, उनके पास बुद्धि विवेक नहीं है, लेकिन बुद्धि विवेक का डेवलपमेंट नहीं हो सका क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ पिछड़ी हुई हैं, परिस्थितियाँ उनकी नहीं है जो है। और हम डेवलप हो गए, हमारा बुद्धि विवेक डेवलप हो गया, हम कंपटीशन में अधिक नंबर पा गए क्योंकि हमारे पास सारे संसाधन हैं, हम लोग जो है कोचिंग पढ़ रहे हैं, क्लास में भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे कुछ नहीं पढ़ने को पा रहे हैं। तो क्या एक ही पासिंग मार्क्स रखना चाहिए दोनों के लिए? तो इसीलिए आरक्षण दिया गया है ना, मतलब एक ही कानून दोनों के ऊपर नहीं लगा उसने। तो विधि का समान संरक्षण यही है कि मतलब एक समान विधि नहीं जो है, व्यक्ति की परिस्थितियों मतलब समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों पर जो है समान कानून लागू होगा, जैसे मतलब इसमें विभेद नहीं किया जाएगा, एक परिस्थिति ये है, एक परिस्थिति ये है और एक परिस्थिति ये है, ठीक है। ये मान लीजिए आदिवासी इलाके की परिस्थिति है और एक इलाका डेवलपमेंट इलाका, तो समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होगा, मतलब ये सब जो है एक समान परिस्थिति में रह रहे हैं तो इनके लिए एक कानून होगा जो है। लेकिन यहाँ विभेद किया जा सकता है, जब परिस्थितियाँ बदल रही हैं जो है तो यहाँ दूसरा कानून लागू होगा, लेकिन इन सबके लिए जो है एक ही कानून, ठीक है। yes, तो समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होगा, मतलब कानून लागू करने में विभेद हो सकता है लेकिन समान परिस्थितियों के लिए समान कानून बनेगा, ठीक। ये नहीं कि जो है जो आदिवासी है जो है 25 आदिवासी है तो 5 आदिवासी के लिए एक कानून लगा और 20 आदिवासी के लिए दूसरा कानून लगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों की परिस्थितियाँ एक है तो एक कानून अडॉप्ट, लेकिन हमारे लिए वो कानून नहीं लागू किया जाएगा क्योंकि हमारी परिस्थिति दूसरी है, हमारे लिए दूसरा कानून लागू हो सकता है, तभी तो न्याय हो पाएगा, तभी तो आरक्षण वारक्षण की सुविधा मतलब इसी आधार पर तो दी गई है, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों को मतलब देखते हुए कानून में विभेद किया जाता है। तो विधि का समान संरक्षण यही थी, समान परिस्थिति के व्यक्तियों को जो है कानून का समान संरक्षण प्राप्त। तो ये विधि का समान संरक्षण है, ये ध्यान रखिएगा, है हमेशा आता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण क्या है, कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार को जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे ही जो है, कितने मौलिक अधिकार थे इस समय? 7 थे इस समय जो है, 6 मौलिक अधिकार बनते हैं, संपत्ति का मौलिक अधिकार गवर्नमेंट ने
वहां पर निर्वाचक मंडल का चयन गठन होता है वाले जो है, और अपने यहाँ भी जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो है एक तरीके से निर्वाचक मंडल का गठन होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रोसेस है, ये बाद में आप लोग राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो है बहुत कठिन प्रक्रिया है, जो है सदन की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से, कुल सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की, 552, जो लिखित रूप में है 550 का जो है दो तिहाई बहुमत जो है। इसी प्रकार के राज्यसभा में 245 का जो है 250 का 250 है राज 238 प्लस 12 250 है, 250 का जो है दो तिहाई बहुमत है। ये नहीं कि इस समय राज्यसभा में 200 है तो 200 का दो तिहाई बहुमत है, जितनी संविधान में संख्या लिखी गई है दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए, जो कि एक कठिन कार्य है, अभी तक किसी के मतलब विरुद्ध लाया ही नहीं गया है। अपना जो है राष्ट्रपति मर्यादित राष्ट्रपति है जो है, और जब वो कोई काम भी नहीं करता है जो तो संविधान का उल्लंघन उससे कहाँ हो पाएगा, है उसके नाम पर काम होता है जो है। तो केवल एक परिस्थिति है जो है, मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने की, जब कब लाया जाता है संविधान का अतिक्रमण करने पर, उल्लंघन करने पर, क्योंकि एक ही सत्ता अपने देश में है, भारत का राष्ट्रपति है वो अपने संविधान का संरक्षक है, वो उसका शपथ जो है दूसरे तरीके का होता है, सबसे अलग जो है शपथ होता है उसकी शब्दावली जो है, वो संविधान के संरक्षण का शपथ लेता है और शपथ एवं दायित्वों के निर्वहन की ईमानदारी पूर्वक जो है शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा की शपथ जो है राष्ट्रपति महोदय लेते हैं, इसलिए संविधान की रक्षा करना जो है उनका नैतिक उत्तरदायित्व है। और सब पर जो है हटाया जाता है और सभी लोगों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जो है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है, वो संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो ये प्रश्न जो है दिया गया है आपका अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन जानते ही है 137 जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन का, संसद कोई कानून बनाई जो है, संसद ने कोई कानून बनाया जो है, राष्ट्रपति महोदय ने उसे पारित कर दिया, सिग्नेचर कर दिया जो है, वह नियम बन गया, फिर वो कोर्ट में चला गया, बोलने के चला गया जो है, ठीक है। तो व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट एक अथॉरिटी है कि वो नियम कानून जो है संविधान के अनुसार बना है कि नहीं बना है, संविधान के अनुसार है कि नहीं है, कहीं संविधान के जो है अतिक्रमण तो नहीं हुआ है जो है संविधान का या संविधान के मौलिक ढांचे का जो है। तो कि कोई भी कानून बनता है नियम कानून जो है संसद द्वारा जो है उसकी न्यायिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, मतलब वो संविधान सम्मत है या संविधान सम्मत नहीं है, यदि संविधान के विपरीत है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है तो उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, खत्म कर देगा, हाँ शून्य हो जाता है, वही जीरो हो गया जो है वही खत्म हो गया। तो यही है न्यायिक पुनरावलोकन का, मतलब न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन बिल या कानून जो निर्मित किया है उसकी समीक्षा करती है या पुनः उसका अवलोकन जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। ये चीज जो है कहाँ पाई जाती है,
संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो ये चीज जो है अपने यहाँ अमेरिका से ही लिया गया है। अब आइए चलिए कनाडा चलते हैं। अब संघात्मक से क्या मतलब है बताइए, बताइए संघात्मक से क्या मतलब बताओ, आप जानती हो बताओ संघात्मक। भारत एक संघात्मक शासन, इससे क्या मतलब है चलिए। लेकिन इसी में पीरियड समाप्त हो जाएगा तब बताएं। ये संघात्मक और एकात्मक मतलब ये संबंध है जो है केंद्र और राज्यों के, केंद्रीय सत्ता होती है संघ की सत्ता और राज्यों की सत्ता, ठीक। केंद्र सरकार का सरकार होते हैं ना, केंद्र सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, तो शासन सत्ता जो है विभाजन हुआ है, केंद्र के पास कुछ सत्ताएं हैं वो जो है केंद्रीय विषयों पर जो है संघ सूची के विषयों पर कानून बनाता है और ये राज्य सूची के विषयों पर जो है कानून बनाता है। तो शासन मतलब इसके आधार पर ये बंटवारा हुआ है संघात्मक एकात्मक का जो है कि सत्ता किसके पास कितनी है, ठीक है। एकात्मक क्या होता है, ये सभी की सभी सत्ता जो है केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। हाँ, शक्तियों का एकीकरण है, एकीकरण एक ही स्थान से जो है मतलब राज्य को बहुत कम शक्तियां प्राप्त हो जो है, राज्य को बहुत मामूली शक्तियां प्राप्त हो जो है, सर्वे सर्वा केंद्र की को ही शक्तियां प्राप्त हो, या राज्य को जो शक्तियां प्राप्त दी गई है जो है वो केंद्र द्वारा दी गई है, मतलब केंद्र द्वारा प्रदत्त है। लेकिन एक तरीके से होता है कानून द्वारा प्रदत्त, संविधान द्वारा प्रदत्त,
सकते, केंद्र का मुमताज नहीं तब रहता है जो है। संविधान जैसे अपने यहाँ जो है शक्तियाँ किसके द्वारा जो है संविधान द्वारा जो प्राप्त की गई है, मतलब राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं, मुख्यमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं, यहाँ पर मंत्रिमंडल की उत्तर प्रदेश में क्या शक्तियाँ हैं, ये संविधान में लिखी गई बात है ना। मतलब केंद्र का मुमताज तो नहीं है ना, राज्य जो है कि केंद्र से मांगे अपनी शक्तियाँ जो है, नहीं दोगे तो हम न्यायालय में चले जाएंगे, संविधान ने हमें शक्तियाँ दी हैं, आप कोई हमें नहीं दे रहे हो। लेकिन एकात्मक शासन में क्या होता है कि केंद्र द्वारा शक्तियाँ दी जाती हैं जो है, संविधान में सारी शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त होती है, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, वो केंद्र की इच्छा पर है कि आपके शासन संचालन के लिए जो थोड़ी बहुत सत्ता आपको दे दे, ऐसा होता है राजतंत्रात्मक या तानाशाही व्यवस्था में। ठीक है, सभी शक्तियों का एक सर्वोच्च स्रोत जो है राजा होता है, या हिटलर और मुसोलिनी होते थे, राज्यों को कोई शक्तियाँ नहीं प्राप्त होती थी, नाम मात्र की शक्तियाँ, तो इसे एकात्मक कहते हैं, एकात्मक गवर्नमेंट जो है जैसे ब्रिटेन में है, ये प्रांतों को मात्र की शक्तियाँ प्राप्त है। एकात्मक है, ये जापान है अपना, जर्मनी है, इटली है, जर्मनी इटली सब जो है, चाइना ये सब जो है एकात्मक व्यवस्था है, मतलब राज्यों को बहुत कम शक्तियाँ प्रदान की गई है। और दूसरे छोर पर पर संघ होता है कन्फेडरल, कन्फेडरल है, कन्फेडरल क्या होता है, परिसंघात्मक है, उसका एकदम उल्टा अवस्था, इसकी एकदम विपरीत है। यहाँ पर जो है ये क्या होता है, संघ का निर्माण, मतलब संघ का निर्माण जो है राज्यों के आपसी समझौते द्वारा होते हैं, बहुत सारे स्वतंत्र राज्य होते हैं, स्वतंत्र राज्य होते हैं जो है, स्वतंत्र राज्य होते हैं वो आपस में समझौता कर लेते हैं कि मतलब स्वतंत्र रहना अलग अलग रहना ठीक नहीं है, जो है हम इकट्ठा होकर के समझौता कर लेते हैं, और जो इन सबको मिला करके जो संघ बनेगा जो है उसको भी कुछ सत्ता दे देते हैं, मतलब संघ सरकार, और इनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, ये केवल समझौते के आधार पर जो है इकट्ठा हुए थे कि मतलब छोटे छोटे हैं हम लोग जो है, मतलब स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र हैं तो विश्व की स्थिति ऐसी है जो कोई सबल देश जो है कब्जा कर सकता है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए चलो जो है एक केंद्रीय सत्ता जो है बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा अधिकार हम उसे भी देते हैं, लेकिन हम अपना पूर्ण सत्ता बनाए रखेंगे जो है, पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखेंगे, और जब हम चाहेंगे तब आपसे अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है शक्तियाँ किसके पास है, राज्यों के पास है, संघ के पास नाम मात्र की सत्ता है, और यहाँ पर जो है संघ की जो है पूरी की पूरी सत्ता थी, और राज्यों के पास जो है नाम मात्र की सत्ता थी। तो एकात्मक और परिसंघात्मक, ठीक, एकात्मक ये दोनों समझ में आ गया, एक संघात्मक व्यवस्था है, इसका उदाहरण जो है रूस है, पहले का सोवियत संघ, इस समय कोई व्यवहार में उदाहरण इसका नहीं है, सोवियत संघ इसीलिए टूट गया है 1990 में, इसे कहा जाता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, विनाशी संघ, अब सोवियत संघ नहीं रह गया था, टूट गया तो संघ टूट गया था, ठीक है, लेकिन राज्य अविनाशी होते थे, राज्य हम अलग हो जाएंगे, ठीक है, हम अलग हो जाएंगे, मतलब राज्य का अस्तित्व बना रहेगा, संघ भले टूट जाए, ठीक है, तो संघ बहुत दोष होता है, बहुत कमजोर होता है, और यहाँ पर संघ बहुत सशक्त होता है, इसीलिए रूस जो है कई प्रांतों को इकट्ठा कर, जैसे उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, ये सब तो रूस में ही थे जो है, ये अपना अलग होकर के स्वतंत्र देश बन गए जो है, और संघ जो सोवियत संघ था वो खत्म हो गया, वो भी एक छोटा देश हो गया रूस, तो अविनाशी राज्य तो अविनाशी रहे, वो जो है अपना देश बन गए, लेकिन सोवियत संघ जो संघ था वो विनाश हो गया उसका, वो सोवियत संघ खत्म हो गया, एक रूस बन गया, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था, और अपना इंडिया क्या है, विनाशी राज्य
देखिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ जो है, इंडिया में नए राज्यों का निर्माण भी हो सकता है और राज्य खत्म भी किए जा सकते हैं। एक राज्य के क्षेत्र को दूसरे राज्य में मिलाया भी जा सकता है। जो है जम्मू कश्मीर खत्म हो गया है, राज्य था जो है जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया, जो है आज आज की डेट में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जबकि पहले था। जो है तो राज्य खत्म हो गया ना, तो विनाशी राज्य होते हैं। यहाँ पर विनाशी राज्य है लेकिन संघ सत्ता क्या है, अविनाशी है। अविनाशी है, भारत कभी नहीं खत्म होगा। ये राज्यों को इधर उधर कर सकता है, आर्टिकल 2-3 के तहत जो है राज्य को खत्म कर सकता है। एक अमेरिका है इन दोनों के बीच के। अब अपना अर्थ संघ क्यों कहा गया, अर्थ संघ क्यों कहा गया है भारत। संघात्मक शासन की क्या व्यवस्था होती है, संविधान सर्वोच्च होता है, ठीक है। मतलब कानून द्वारा केंद्र और राज्य को सत्ता प्राप्त होती है, तो संविधान सर्वोच्च होता है। नागरिकता क्या होती है, एकल नागरिकता होती है, ये भी अपने यहाँ है तो है। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती है, केंद्र के पास, मतलब एकाध सब यहाँ से लेते हैं जो है, और सबसे जो है वहाँ के हैं, तो इसलिए
बात रखता है कि भारत क्या है, संघात्मक है कि एकात्मक है कि अर्थसंघात्मक है। तो केसी मेयर ने इसे जो है क्वांसी फेडरल कहा है, यहाँ पर रखा है क्वांसी फेडरल अर्थसंघ जो है। या आपातकाल की स्थिति आती है, राष्ट्रीय आपात जब आती है तो केंद्र सर्वे सर्वा हो जाता है, यहाँ तक कि विधानसभा को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है कि तुम राज्य सूची पर भी कानून ना बनाओ, हम राज्य सूची पर कानून बनाएंगे। तो एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है, तो किसके बीच रखा जाए, तो जो है एशियन वेयर में जो है अर्थसंघात्मक कहा इसीलिए, जो है क्योंकि एकात्मक और जो है संघात्मक दोनों के ही लक्षण पाए जा रहे हैं। और संविधान में क्या कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल वन यही है, आर्टिकल वन यही है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ फेडरेशन शब्द नहीं यूज किया गया है, फेडरल मतलब संघात्मक। ताइवान का तो फंसा हुआ मैटर है, जो है ताइवान का बहुत फंसा हुआ मैटर है, जो है क्या है ताइवान को चीन उनको डिस्टर्ब किए हुए हैं, वहाँ जो दावोदाव भी जो होता है वो नहीं मानता है चाइना की चुनाव होना हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक आखिर मतलब सब कुछ जो है केंद्र का संघात जो है सारी सत्ता वहीं से शासन सत्ता का संचालन होता है, जो है हाईकमान से ही जो है, और यहाँ पर सत्ता जो है केंद्रित होती जाती है, और जब यहाँ पहुँच जाती है तो राज्यों की इतनी सत्ता हो जाती है कि ये बाहर ही मतलब कि केवल समझौते के लिए, लेकिन भारत जो है राज्यों के साथ समझौते का जो है समझौते द्वारा नहीं निर्मित हुआ है, भारत का निर्माण जो है राज्यों के एकीकरण द्वारा हुआ है। राज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया जो है राज्यों का, तो ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है कि आप समझौते से अलग हो जाएंगे, लेकिन ये सब जो है संघौते के परिणाम होते हैं, इसलिए इन सबको जो है इसमें केंद्रीय सत्ता आगे होती है और इसमें केंद्रीय सत्ता कम होती जाती है। तो भारत जब पूछा जाए तो इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है, इसके फेडरल शब्द यूज होने से बचा गया है, ठीक है। फेडरल मतलब संघ होता है, तो ये पूर्णतः संघ नहीं है, संघ और एकात्मक के बीच का लक्षण, बहुत सारे लक्षण इसके एकात्मक के हैं, बहुत सारे संघात्मक के हैं, और इसीलिए भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार ये संघात्मक और एकात्मक हो सकता है, जब आपातकाल आया जो है तो एकात्मक हो गया जी। अब आगे हो मतलब एक क्वेश्चन लग गया, एक संसदीय अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, उसको कल के बाद शायद ना चले आज के बाद खुला अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ अमेरिका से ना राज